पद्मनाभम शंखपादधातराष्टं तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले प्रतियोगितुं प्रातःकाले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र। ब्यास जी और 84 गुम्बद का यहाँ मेला लगता है हर साल, लेकिन इस बार नहीं लगा है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से तो आपको मतलब यहाँ मेला देखने आई थी मुख्य तौर? नहीं, हम ऐसे ही घूमने आए। ऐसे ही घूमने? हाँ, छुट्टी थी तो आए थे कानपुर से यहाँ पर, तो इसलिए। पुखराया पहले से आपको जानकारी यहाँ के बारे में? हाँ, जानकारी है, मेरी ससुराल कानपुर में। अच्छा, भाई का यहाँ पुखराया। आप बताइए, क्या मायूसी हाथ लगी मतलब? नहीं नहीं नहीं, मेला नहीं, कुछ नहीं, मेला नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। आए हैं घूमने तो थोड़ा सा लंका वंका देख कर जाएंगे। मेला की वजह से ऊपर लंका पे गए? अभी नहीं गए, लेकिन विचार कर रहे हैं, जाएंगे। ये लोग आए तो सभी है मेला, यहाँ के लोग तो मेले ही देखने आए होंगे फिलहाल काल। अगर आप लोग जो है इकट्ठा खड़े हो रहे तो दूरी बना के खड़े होइए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और कोरोना की वजह से सरकार ने मेला, प्रशासन ने मेला नहीं लगने दिया है। या तो मास्क लगाइए या तो दूर खड़े होइए। मेला तो अच्छा। कालपी की लंका मीनार है ये देखिए लंका मीनार, ये प्रवेश द्वार पे जो है नाग और नागिन। नाग पंचमी का मेला यहाँ पर विशेष कहा जाता है। इस बार मेला कैंसिल है साहब? बता गए, हाँ परमिशन रहती तो वो मना करता।
कालपी गई, क्या नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या नाम बेटा? छोटू। कौस्तुभ। मेला क्या बता रहे हैं यहाँ के लोग? हमें तो ये जानकारी है कोरोना की वजह से नहीं लगा। क्या ही? पिछले साल भी नहीं लगा। पिछले साल भी नहीं लगा, यानी कोरोना काल की भेंट दो साल चढ़ गया मेला, आगे का पता नहीं। ठीक, धन्यवाद। कौन से चैनल? वेब कुटुंब है, WEB वेब के UTUMB यूट्यूब पे। आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं? बिल्कुल, यूट्यूब चैनल चला। क्या नाम है आपका? चैनल का है हमारा। आपका? मेरा नाम रोहित है और चैनल का नाम बता दें। बताइए। वेब कुटुंब। वेब कुटुंब। हाँ। कैसे वीडियोस आप पोस्ट करते हो? आप चैनल पे जाइए, देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। यहाँ के बारे में बताइए फिलहाल। यहाँ तो ये बाहर से कानपुर से आना है, बहुत बड़ा मेला लगता है। कहाँ से आए हैं? कानपुर। नहीं, मूल निवासी कहाँ के? कानपुर। कानपुर के ही है? मेला देखने आए थे? जीजा जी हमारे साथ में। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, आए हैं बस, आप दिखे बस। तो लंका मीनार का तो लुत्फ लीजिए, ऊपर चढ़िए। जाएंगे, पानी ले लें, वरना ऊपर जाके हालत खराब, प्यास लगाएंगे। ठीक, धन्यवाद। आप लोग मेला देखने आई थी? है कहाँ से आई है? पीला घाट। ये कालपी में है तो? हाँ। वहाँ बाढ़ आई हुई है ना? हाँ। तो ये मेला तो मिला नहीं, फिर जा रहे घरे। घरे जा रहे? देखो, सभी से निवेदन है, अगर भीड़ लगा रहे तो दूरी बनाए और नहीं तो मास्क लगाए, है ना? मास्क कोई लगा ही नहीं है। क्या शुभ नाम आपके? डॉक्टर विवेक निगम। डॉक्टर विवेक निगम, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, लाइट इस तरफ है। हमें जानकारी हुई है लंका मीनार आप ही की है। हाँ। आपके पूर्वजों ने बनाई थी। की है। थोड़ा आज के बारे में जानकारी दीजिए, मेला लगा नहीं है? मेला कोविड के मारे बंद कर दिया गया है, शासन से मना किया है। अच्छा जी, कब तक रहेगा? जब तक कोविड का प्रकोप रहेगा। जय साल रहेगा। पिछले साल भी नहीं कर पाए थे। तो ये मेला किस मतलब मेल ये तो ठीक है कोविड है, मेला किस वजह से आयोजित किया जाता है? मेला हमारे जो बाबा थे उनका जन्मदिन था, नाग पंचमी, उसी उन्हीं की यादगार में। बाबा का नाम? बाबू मथुरा प्रसाद निगम, लंकेश एडवोकेट, फर्स्ट लायर, बुंदेलखंड के। अच्छा, तो उनके जन्मदिन, उनकी जयंती है, उनका जन्मदिन था आज के दिन। आज ही के दिन जो नाग नागिन बने हैं उन्हीं के ऊपर नाग नागिन छाया की थी, जो मार दिए गए थे उन्हें, उसी से तलघर से पैसा, हीरा सर्फी सब मिला था। अच्छा, सबसे पहले इसको सोने के बना के विसर्जित किया था आज ही के दिन। हाँ। आज ही के दिन में तलघर मिला था। हाँ। इसी की यादगार में उन्होंने लंका मीनार, लंका बाजार ये सब बनाया है। लंका की ऊंचाई 225 फीट है, 175 सीढ़ी हैं, चूना कौड़ी केसर से मिश्रित बनाई गई है। अच्छा जी, इस वजह से मेला लगता है यहाँ, उनकी यादगार में लगता है। अच्छा। ये 175 साल पुराना हो चुका मेला। अच्छा, कोविड के मारे 2 साल से नहीं रख पा रहा है। अच्छा, शासन से भी रोक लगी है। नाक की लंबाई कितनी बता रहे हैं? 265 नाक की है, 365 नाक की, 265 नागिन की, जो मिनिमम आज के टाइम पे कम रखी गई है, अंडरग्राउंड है बाकी। 265 का रिकॉर्ड है। अच्छा, जो दर्ज आधिकारिक लंबाई वो ये है, मतलब इनकी जो पूछ है वो तलघर में जाती है ना? ये जो पूछ है ये सीधा लंका होती है, लंका की तलघर में, और जो उधर से वो नाग है, नाग की पूछ वहाँ पीछे, कुछ वहाँ पे कुछ बना है क्या? मंदिर कमरा है क्या? मंदिर का ही है तो उसके तलघर में जाती है। जी, हमारे शुक्ला जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नमस्ते। नमस्कार साहब, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ऐतिहासिक नगरी कालपी, इसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए तो जो उपेक्षा है जो लंका मीनार की इसके आसपास की, बोर्ड तो लगा है पर्यटन का, लेकिन बोर्ड ही लगा है, बोर्ड लगा है, बजट में इसका पैसा नहीं आता। सरकारें आई, एक एक करके बोलिए तो। बहुत सारी सरकारें आई लेकिन कभी किसी ने इस पर, सरकार ने कोई पहल नहीं करी, और इसमें अगर इस विशेष बजट आ जावे तो कालपी पर्यटन पे बहुत सारे स्थान है। लंका मीनार तो अद्भुत है, अलौकिक है, और
जिसको यहाँ की मथुरा प्रसाद साहब निगम एक एडवोकेट थे, उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए कि नाम देवता ने, और ये लंका मीनार का, चूंकि वो रावण का पाठ करते थे, लंकेश जी के नाम से बोले जाते थे लोग, उनको लंकेश जी कहते, तो किसी ने व्यंग में कह दिया आपकी लंका कहाँ है, तब फिर उनको ये स्वप्न दिया इसको बनाओ, तो ये लंका मीनार आपके सामने जो दिख रही है। आप कुछ कह रहे थे, नाम बताइए पहले। मैं मलखान सिंह यादवपुर छात्र संघ अध्यक्ष कालपी। अच्छा, क्या कह रहे थे बताइए आप, पूछ क्या रहे, व्यक्त करिए यहाँ के बारे में। देखिए जी, कालपी नगरी है और आपको बताएं यहाँ पर आज़ादी के बाद इसे श्रापित नगरी हो गई हमारी, कि देखी तेरी कालपी बसे न उजर हो, इस तरह की किदवंतियाँ इस शहर में लागू हो गई। लेकिन आप देखिए इतिहास के रूप में तो काशी के बाद हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में हमारी कालपी को मिनी काशी कहा गया। तो काशी कहते हैं कालपी को। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एक मथुरा प्रसाद निगम हुए, संक्षेप में गई है संक्षेप, हाँ, तो उन्हें ये स्वप्न हुआ। और एक अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुल चुका है, बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, लोग आंखों का देश प्रदेश के अंदर आना जाना है, उसके बावजूद एक ऐतिहासिक इस आज़ादी के बाद ये पहला मर्तबा हम लोगों ने देखा कि आज मेला हमारे प्रशासन को क्या यहाँ से ऐसा लगा कि उन्होंने मना कर गए कि मेला नहीं, कोई बड़े पहलवान नहीं आते थे, बड़े पहलवान यहाँ माननीय ब्रजेंद्र प्रसाद निगम, वो भी बेचारे आज पहला मर्तबा ऐसा है कि इसी लॉकडाउन में हम लोगों के बीच नहीं रहे, और अगर वो होते तो चाहे वो छोटा बच्चों का आज दंगल होता, किसी तरीके का होता, हम लोग निश्चित विश्वास करते हैं कि आज ब्रजेंद्र प्रसाद निगम तो दंगल लगता, तो दंगल लगता, और हम इसमें निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन की निंदा करते हैं कि उन्होंने बच्चों को खेल तमाशा और उस मोहल्ले में एक दूसरे से मिलने जुलने का काम जो होता, लेकिन यहाँ जो माध्यम से वो रोक दिया गया, लेकिन उसका कारण भी तो है, कोई देखिए यहाँ मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हाँ, ये बात आपकी और, सही है। और सब लोग नजदीक खड़े हैं, भीड़ लगा के खड़े हो, भाई दूर खड़े हो, अगर अपनी अपनी साफी और मास्क लपेट लीजिए, अगर एक एक मीटर में दर्शन करिए और चले जाइए, तो इसीलिए तो प्रशासन रोक रहा है। हाँ, सही बात है ना, कि आप भाई भीड़ ना लगे, क्योंकि कोविड काल निपटा नहीं है ना पूरी दुनिया में, कोरोना काल मुख्यमंत्री ने शनिवार खत्म कर दिया। क्या नाम है? दुली चंद। और आपका? गोपी। हाँ, क्या क्या मतलब थोड़ा बताइए। दड़ बजाते हैं, ये जो ढोल है ये, अरे ये ढोल को दड़ कहते हैं, बजा दो बाबा। ये बात ठीक है कि जो यहाँ का निगम परिवार है जिन्होंने ये लंका मीनार बनवाई थी, उन्हीं ने 11 बीघा दी आपको, 11 बीघा जमीन दान में, तो कितने साल हो गए? कम से कम हमारी तीन पीढ़ी हो गई। आप तीन पीढ़ी से आपका परिवार यहाँ पर नाग पंचमी के दिन आता है, ये ढोल बजाता है, ये परंपरा आप लोग निभा रहे हैं? जी, हम परानी निभाते चले आ। कहाँ से, कौन सी जगह से आप? जी, छोंक से आते हैं। अच्छा, तो छोंक एक गांव है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर, आप कानपुर से झांसी जाएं तो वहां पर आपको कालपी और जोलूपुर मोड़ पार करके है ना, कालपी और रई के बीच में गाँव मिलेगा छोंक, छोटा सा गाँव, वहाँ से ये दादा आते हैं, बता रहे हैं कि ये जो निगम परिवार है जिन्होंने ये लंका मीनार, ये मंदिर, ये पूरा परिसर बनवाया था, तो उन्होंने इनको 11 बीघा जमीन दी थी दान में। आपको दान में से काहे दे दी? ऐसे दादी हम लोग जी सेवा करते रहे, इसी में दादी दान बजाने के लिए खाओ पियो। नहीं नहीं, तो सेवा आप पहले से कर रहे थे? पहले ही से पुरखा कर रहे हैं, बहुत पहले से, 50-100 साल पहले, जब से ये बनी होगी तभी से पुरखा कर रहे हैं। क्या रेफरी है ये? नाम बताइए। जद्दन। जोर से बोलिएगा। जद्दन पहलवान। आप कुश्ती लड़ते थे पहले, अब रेफरी करते, कुश्ती के रेफरी है कालपी में। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कह रहे, कर बोलो। इस बार तो कुश्ती हो नहीं पाई है, लंका का जो दंगल लगता है, दो कुश्ती कराई बच्चों वाली, पहलवान वाली तो नहीं हो पाई ना, लॉकडाउन लगो नहीं हो पाई, तो मायूसी हाथ लग रही है। कितने साल से आप यहाँ पे रेफरी? हमें हो गई करीबन 30 साल। 30 साल है। कहो दादा, बढ़िया सब। कुश्ती देखने आए थे? जंगल ये मट्टी गोड़त दंगल है। कैसा हाल हो गए मट्टी गोड़त? 5-6 साल।
तो इस बार तो मट्टी हमें लगा गुड़ नहीं है जी, पड़ी नहीं है। नाम क्या बताया आपने? राम स्वरूप। राम स्वरूप दादा है राम स्वरूप। कालपी से ही हैं आप? नहीं, देहात से। कौन से देहात? गांव के? दिलौरिया के। हम बैरी के। जमुना पार है दिलौरिया? हाँ। अच्छा, बाढ़ आ रही है उधर पे? घुस गए इनके घर। घर घुस गया पानी में? क्या नुकसान है? क्या सारा सामान डूब गया? क्या डूब गया? ऊपर रख लिया था, अभी निकला पानी के है? निकल गया। ठीक, तो कालपी की लंका मीनार से ये है आज की यानी नागपंचमी 2021 की स्थिति। हमने कहा कि यहाँ पर नागपंचमी पे बहुत भारी मेला लगता है, हर साल लगता है, लेकिन इस बार नहीं लग पाया। इसकी अगर लगा होता तो आपको झलकियाँ दिखाते, लेकिन नहीं लगा उसकी भी आप झलकियाँ देखिए कि मेला ना लगने के बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। इस आस में आ रहे हैं कि उनको दंगल देखने को मिलेगा। बड़ा भारी दंगल यहाँ पर लगता आया है, बड़े बड़े पहलवान यहाँ आते हैं, और इसी बीच लोग ये मीनार पे चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं और पूरे कालपी का दृश्य देखते हैं, विहंगम दृश्य देखते हैं। तो मेला नहीं लग पाया, लेकिन जो निगम परिवार के जो प्राचीन जो पूजा होती है, पारंपरिक पूजा अभी भी जारी है, आप अगर देख पा रहे हो तो पूजा उन्होंने की, नाग नागिन की पूजा की, उसके बारे में बताया कि आखिर पूजा क्यों की जाती है। तो हमने सोचा इसी बहाने आप सभी लोगों को यहाँ की ये वाली झलकियाँ भी दिखाते चलें। तो आप लोग बताइए, आपकी कोई राय या प्रतिक्रिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कालपी से जय राम जी की। मतलब क्या खास बात है, क्या विशेष चीज़ है जो इस लंका मीनार को पूरी दुनिया में खास बनाता है, क्योंकि इस तरह की मीनार पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दावा ठोक के ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है, इकलौती ऐसी विशेष जगह। तो उसके बारे में ये अनाउंसमेंट है कि एक डॉक्यूमेंट्री इस पे वेब कुटुंब बनाएगा और आपके लिए जारी करेगा। हमसे जुड़े रहिए।